नमस्कार दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ सिकटा रेलवे स्टेशन पर। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत लोग अपडेट में ये मांग रहे थे कि आप जो है नरकटियागंज से रक्सौल के बीच का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का आप रिपोर्ट दीजिए। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखने के लिए। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, सामने आपको जो है सिकटा रेलवे स्टेशन की आपको भवन दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पर चलते और देखते हैं कि क्या हुआ है काम इलेक्ट्रिफिकेशन का। फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नरकटियागंज के लिए यह रूट जाती है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी नहीं हुआ है, हालांकि पोलें लग चुकी हैं। आप सभी को बता दूं कि इस रूट का CRS 2018 में हुआ था। बड़ी लाइन जब बनी थी तो उस समय लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी कि इस रूट से जो है काफ़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी और यह रूट जो है रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा सहरसा को जोड़ने वाला यह रूट सीधे जो है गोरखपुर को जोड़ता है और बहुत ही जो है सीधा रूट है। आप सभी को बता, रक्सौल से जो है नरकटियागंज की दूरी मात्र जो है 40 किलोमीटर है। तो आगे हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि जो 18 का CRS हुआ था उस समय कितना लोग जो यहां पहुंचे थे। जब 2018 में जब यहाँ ट्रेन CRS के लिए जब पहुँची तो लोगों की उम्मीदें लग गई कि अब जो है इस रूट पर जो है ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी और अब जो है इस रूट से जो है सीधे दिल्ली और सहरसा दरभंगा से जुड़ जाएंगे लोग। लेकिन ऐसा अब गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि इस रूट पर एक ही ट्रेन चलती है, जो ट्रेन दरभंगा से आती है और दरभंगा से आने में जो है रक्सौल काफ़ी लेट हो जाती है और रक्सौल से आने में इधर जो है यहाँ इस रेलवे स्टेशन तक जो लगभग 6-7 बज जाते हैं। तो इतना लेट यह ट्रेन आती है। आपको सामने ओवरब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ओवरब्रिज आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ओवरब्रिज है। और नीचे देखिए यह जो है यहाँ पर जो काम हुआ है और टाइल वगैरह बहुत बढ़िया से लगे हैं। सिकटा रेलवे स्टेशन का यह भवन, यहीं पर टिकट खिड़की है। और आप सभी को मैं बता दूं कि आगे नरकटियागंज की ओर पुरुषोत्तमपुर रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें रक्सौल जंक्शन की ओर तो कंगली हाल्ट यानी पड़ेगा यहाँ रक्सौल जंक्शन की ओर जाने पर। टिकट 1 और टिकट 2 है, देखिए दोनों टिकट जो खिड़की है वो बंद है। इसका मतलब यह है कि यह टिकट खिड़की तब ही खुलता है जब यहाँ ट्रेन आती है। तो ट्रेन तो 4 बजे के बाद आएगी, तो 4 बजे के बाद यहाँ टिकट खिड़की खुलेगा। लोगों की उम्मीदें के साथ जो है पानी फिर गया। मैं आप सभी को बता दूं कि इस रूट से जो है एक ही ट्रेन चलती है, उसके अलावा कभी काल का मालगाड़ियाँ चलती है। सामने आपको जो सामने दिखाई दे रहा है यह ट्रेन का टाइम टेबल है कि कौन से रेलवे स्टेशन पर यानी ट्रेन कितने समय में आती है, तो वह दिखावा के लिए टाइम टेबल है। समय से तो ट्रेन आती नहीं है। अब देखिए आपको जो है दिखाई दे रहा होगा रक्सौल जंक्शन, तो रक्सौल जंक्शन का हम इसलिए जो है फुटेज दिखा रहे हैं कि रक्सौल जंक्शन में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वह पूरा कर लिया गया है। तो रक्सौल जंक्शन में पूरी तरह से काम जो है क्लियर कर लिया गया। तो रक्सौल जंक्शन की आगे की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप यह तस्वीरें देख रहे हैं जो सीतामढ़ी जंक्शन की है, तो सीतामढ़ी जंक्शन पर भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है पूरा कर लिया गया है। सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो जो इस यह जो काम है सीतामढ़ी में भी जो है पूरा कर लिया गया है। और आगे हम दिखाते हैं आपको, यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह रक्सौल से थोड़ी सी आगे की तस्वीर है और यहाँ पर जो है सिर्फ पोल वगैरह लगे हैं, तार वगैरह का काम नहीं हुआ। उसी तरह सिकटा रेलवे स्टेशन पर भी जो है सिर्फ पोले लगे हैं, अभी वहाँ तार वगैरह का काम नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि रक्सौल नरकटियागंज के बीच यह रूट में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम में जो है सिर्फ पोल लगा है, तार का काम अभी जो है पूरा नहीं हुआ है। और जब यह काम पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो हम वीडियो में पूरी यानी बढ़िया से वीडियो बनाकर जो है आपको जो है पूरी तरह से दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सामने आपको स्क्रीन पर नरकटियागंज की तस्वीरें दिखाई दे रही है, यह नरकटियागंज की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, लेकिन यह कुछ ही आगे तक हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि नरकटियागंज के जो है ओवर ब्रिज से लिया गया यह तस्वीर है, बीच वाली जो रूट है वहीं जो है रक्सौल के लिए निकलती है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।